खत्म कर, खत्म कर, बिजी हो गया, खत्म कर इसको चड्डी। क्या बंद करो मोबाइल, बंद करो, क्या बोल रहे मोबाइल बंद करो, हाँ जल्दी पियो। लेवल के खिलाड़ी उस दिन बनेंगे जिस दिन हम दोनों साइड में इक्वली लगा पाएंगे। देखो इसका साइड कैसे हो गया और इसका साइड कैसे है, ऐसा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ आपको लग रहा है कि ठीक ही तो है, ऐसा लग रहा है, तो आप अभी तक गेम में घुसे नहीं हो, अब घुस जाओ, फिर आपको ये वाला एक्सपीरियंस होगा। तो मैं ना पता नहीं एक साइड में हमेशा मोटा हो जाते, फिर दूसरी साइड को थोड़ा थोड़ा करके मोटा करते ना, फिर वो और भी ज्यादा मोटा हो जाता है, या कुछ अलग ही ट्रायंगल हो जाता है ऐसे टेढ़े मेढ़े के ऐसे। लेकिन जो लोग अच्छे से लगा पाते हैं ना, सल्यूट देम, पर पता नहीं यार, पता नहीं और कितने साल लगेंगे मुझे ये परफेक्शनिस्ट मेरे आंखों के ऊपर ऐसे अच्छे वाले में लाइनर लगा पाऊं। वो सिर्फ मतलब ये है ना, लिक्विड लाइनर है, लिक्विड लाइनर से मेरे बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं ऐसे पेंसिल वाले जो काजल रहते हैं उसी में हो जाता, क्योंकि मोटा है, ऐसे लगा दो एक ही साइज के रहेंगे ऐसे। लेकिन ये लिक्विड वाले या वो जो स्केच वाले, उसमें मैं मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। नमस्ते, स्विदा मीडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुभस्मिता, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। सुबह के कितने बज गए देखो, 11:15 हो गया है, ये 10 मिनट फास्ट से 11:05 ही हुआ है। और सुबह का ब्रेकफास्ट उपमा था, और आज ये रीशू अभी तक पी रहा है जूस, पाइनएप्पल जूस था, और इतना ही था। तो वो लेके गए, नहीं वो खा के गए और लेके गए आज दालमा, प्लेन राइस और पाइनएप्पल रायता। ऐसे मैंने जब बताया कि आज पाइनएप्पल रायता बना रही हूँ लेके जाना, तो ऐसे मतलब ऐसे रिएक्शन था, क्यों मतलब, क्योंकि हम लोग ना क्या होता है कि हम लोग मतलब आप और मैं, हम लोग थोड़ा सा मतलब जो घर पे है, हम जैसे खाते हैं जैसे फॉर मतलब पाइनएप्पल ऐसे खा लिया, पाइनएप्पल जूस कर लिया, लेकिन पाइनएप्पल रायता कोई भी बनाता है ना, ऐसे हम बोलते हैं कि भाई आज क्या है, ऐसे ऐसा नहीं कि हाई रोज रोज खा सकते हैं, रोज रोज खा सकते क्या है, दही है, पाइनएप्पल है, तड़का मारो खा लो। लेकिन जब वो करते हैं तो लगता है कि शायद आज कुछ त्यौहार है, आज कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल नहीं है, हर डे हर रोज हर मोमेंट स्पेशल है, बस कुछ चीजों की मतलब असेंबल करना जरूरी है तो हो जाएगा आपका डे स्पेशल। तो वैसे रिएक्शन था। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि वो जो छोटी छोटी चीज है ना, जो हम होटल में 300-400 रुपए या वो रायता होते हैं ना 150-100 ऐसे, तो हम 30 रुपए पे ऐसे बना के खा सकते हैं ऐसे, तो हम बनाएंगे और हर रोज को स्पेशल बनाएंगे। ये किसने बनाया, वाओ ट्रेन, ट्रेन किसने बनाया, ट्रेन तुमने बनाया। चलो अभी घर चलते हैं, समय हो गया है, चले नहीं जाना है, तासू चली गई है, चले चले बोलो चलो। रिशु को खिला दूंगी आज, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने रखा है। ओह लुकिंग ग्रेट है, चावल, ये दालमा, ये हमारा दालमा है और शैली जी का मेरा, क्योंकि इसमें तीखा है। रिशु का मैंने अलग निकाल दी, ये दालमा है और ये है रिशु, पता रिशु तो नहीं खा पाएगा भाई। ये है, ये पाइनएप्पल रायता है। क्या चाहिए, बनाना नहीं है रिशु, बनाना कहाँ चला के दू, बनाना नहीं है, बनाना आज बाबा लेके आएंगे ना तब खाना, ठीक है। पाइनएप्पल है दू, पाइनएप्पल खाएगा रिशु, दालमा चावल और अभी तल लेते, अभी बोलूंगी ना फिर बोलेगा मुझे डालना है मम्मा, ऐसे फिर करने देगा, इससे अच्छा है कि मैं ना बोलूं आप समझ जाओ। उस हमेशा दूसरों को लूटते हैं, ये लो तुम लूट लो, खा लो इसको, कोई सेल्फ मेड खाना खाना है, चम्मच से खाएगा इसको, इसको हाथ से खा सकते हैं इसको, हाँ हाथ से खाओ, क्या दू चामच दो, ये लो, कैसे खाना है,
कैसे खाना है दिखाओ तो सही मुझे। अरे वाह मेरे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बेबी कॉन्टिनेंटल बेबी, तू तो अपना खाना खाया फिर मेरा पापड़ खाने के लिए भी आ गया तू। ये कैसे हो गया, वन बाउल मिल हो गया देशु, खाएगा तू? खा ले खा ले, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। वाह वाह रिशु, तुम फोटो उठाओगे मेरी? ठीक है ठीक है, लो लो लो, इधर आ दो इधर आ दो इधर आ दो, उठा ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे, रुको मम्मा सिखा देगी, ऐसे ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे ऐसे, हाँ देखो अच्छे से पकड़ो अच्छे से पकड़ो, इधर आगे नहीं आ रही, ऐसे ऐसे पकड़ना है, ऐसे कैसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ठीक है, छोड़ देते हैं उसको छोड़ देते हैं, जा 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 जा, जा। किधर गए किधर गए, ये है ना ये है ना, इसको जाने देते हैं, को जा अपना घर जा, बोल घर जा, हाँ फंस गई थी ना, छोड़ देते हैं उसको ठीक है, चलो चलो, नहीं हाथ मत लगा वो खुद चली जाएगी, हाथ मत लगाओ खुद चली जाएगी, हाँ हम गुड है ना, तुम गुड है ना, गुड बेबी हूँ, वो कहाँ पे है, ये है ये है, तुम घर जाओ, हाँ तुम घर जाओ, मम्मी रोएगी नहीं तो, बोलो हाँ जाओ अभी जाओ घर, शाम हो गई है, बोलो उसको बोल दो कि शाम हो गई है अब घर जाओ, अब घर जाओ, हाँ हाँ उसको फ्लाइंग किस कर दो, ऐसे कर दो ऐसे फ्लाइंग किस, ठीक है ओके, और मुझे एक कर दो नहीं, इधर इधर कर दो फ्लाइंग किस, उसको भी नहीं, ये शेयरिंग नहीं हो सकता, ठीक है करो मुझे बात नहीं करनी है के हैं। और इसलिए जी अभी है तो हमारी चाय बन रही है, और ये केले का एक रेसिपी बना रही हूँ जो मेरे मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि ये बना के खा बहुत अच्छी लगती है ऐसे, तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कुछ ऐसे वैसे टेढ़ा हो गया इसका चेहरा, लेकिन मम्मी ने बताया कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे, तो हम बना के खाते हैं, अगर अच्छा लगा ना लगेगा तो ये डैम श्योर, क्योंकि मम्मी ने बताया तो मम्मी ने बताई सॉरी मम्मी ने बताई तो पक्का अच्छी ही होगी ये रेसिपी, नेक्स्ट ब्लॉग में या इसके लिए भी प्रॉपर एक वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी, पहले मैं खुद खा लेती हूँ फिर उसके बाद आप सबको बताऊँगी। तू कटप्पा है, मैं बाहुबली। मेरे घर में बाहुबली कह गया थोड़ पाट आ गया, ये लो कौन दे दिया गधा कहीं का, खाना हुआ अभी खत्म, मतलब सबका खाना खत्म हो गया, और बज गए कितना 11 बजने को, सिर्फ 2-3 मिनट बाकी है, और पहले तो मुझे इसको क्लीन करना है क्योंकि ये क्या शाम के टाइम पे रिशु सो के उठता है ना, तो उसके बाद से रिशु के पीछे 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 करके ना मतलब इतना काम लग जाता है, फिर ये होता नहीं, फिर सोने से पहले तो बेड को थोड़ा सा क्लटर फ्री करके साफ करके, जैसे थोड़े से रूम में रूम फ्रेशनर वगैरह लगा के सोने से मस्त नींद आती है, क्योंकि दिन भर की जो तो थकान बहुत चली जाती है इसके लिए, तो मेरी ड्यूटी आज वो बात करें नहीं तो वो शैली ये कर लेते हैं, तो आज मेरी ड्यूटी लगी है। मेरे पापा ना मतलब खाने से पहले ये वाले काम कर देते हैं कि एकदम से पेट प्रिपेयर करते हैं फिर उसके बाद ही खाना करते हैं, खाने के बाद कुछ मतलब नहीं करना है, ऐसे हैसल फ्री रहो आराम से जाके सो जाओ, ऐसे वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी तक पापा जो करते वो फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, करूँगी लेकिन पापा मैं पक्का करूँगी, तो
आई थिंक मेरे पापा खुश हो जाएंगे ये बात सुन के कि अच्छा वो कुछ तो सुन रही है लड़की मेरी बात। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन, और हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हर हर। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? प्लीज लाइक आवर वीडियो ना रिशु, सब्सक्राइब से किसी कर दो एक।